नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज एक पेपर कंडक्ट करवाया था और ये पेपर है जेएन सिविल डिग्री का। तो इस पेपर में कुल 40 प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो उन प्रश्नों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो मित्र आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ग्राम सेवक की है, पटवारी की है, पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने वाले हैं, आरएएस की है, तो उनके लिए भी आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और मोस्टली 100% वही प्रश्न है जो आपको टेस्ट सीरीज और वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम समय समय पर आपको प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था राजस्थान की सिंचाई परियोजना के संबंध में कि कौन सी सिंचाई परियोजना किस जिले में अवस्थित है, कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो बांकली जो बांध है ये आपका जालौर जिले में है, एक में तीन हो जाएगा तो एक और बी दोनों में है। सोम कमला अम्बा, ये कमला अम्बा स्थान डूंगरपुर में है और सोम नदी पर ये परियोजना है वो डूंगरपुर में है, एक में तीन और दो में चार, केवल और केवल विकल्प नंबर एक में है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो यह है कि ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी भाषा है वो जयपुर के आसपास में बोली जाती है। और आपको पूछा जाए कि राजस्थान के कबीर कहे जाने वाले दादू दयाल है, इनकी रचना किस भाषा में है, तो वो भी ढूंढाड़ी भाषा में है। आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक रिव्यू है 2020-21 का लेटेस्ट, उसके 31 मार्च 2020 के अनुसार राजस्थान में कुल स्टेट राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवेज की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,621.25 किलोमीटर राजस्थान में जो राज्य राजमार्ग है उसकी लंबाई है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी मैराथन वीडियोज के अंतर्गत, देखिए आप टेस्ट सीरीज में भी ये चीज अपलोड कर रखी थी आपके जेएन सिविल डिग्री के। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग आगामी जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 10,618 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग की लंबाई है 15,621 किलोमीटर, मुख्य जिला सड़कें हैं 8,779, अन्य जिला सड़कें यानी कि कुल राजस्थान में जो रोडों की जो सड़कों की लंबाई है वो है 2,69,028 किलोमीटर। तो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, काफी बार है वो पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सड़कों से संबंधित मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से ये चीजें बता रखी है और वही प्रश्न आपसे यहाँ पर भी पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है राजस्थान की फसल और उन्नत किस्मों के संबंध में। तो आपको बाकी ध्यान ना हो तो भी गेहूं जो फसल है ये किसकी है, गेहूं की किस्में कौन सी है, सोनालिका, सोना कल्याण, आर जे राज 911, तो बी में एक, केवल और केवल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर दो में है। आप इजीली इस प्रश्न को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जिंक खदानों से संबंधित है, तो जिंक या फिर जस्ता, सीसा, जस्ता एक ही साथ में मिलते हैं गेलेना एस्क से। तो यहाँ पर देखिए आप मोचिया, आप सभी को पता है मोचिया, मगरा, बरोड़, मगरा, जावर, ये सभी सीसा जस्ता की खाने हैं। तो आपको दो चीजें मिल गई, मोचिया और जावर, एक और पांच, तो के एक और पांच केवल और केवल एक नंबर विकल्प में है, तो आप इसको सही कर सकते हैं, विकल्प नंबर एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अमृता देवी बिश्नोई के संबंध में है कि सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी और उनकी तीन पुत्रियों के नेतृत्व में अपना जीवन बलिदान कर दिया। 71 में किस रियासत के राजाओं ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया, तो जोधपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए ये 1730 की घटना है, 71 की नहीं। दूसरी बात है पेड़ों को काटने का आदेश जोधपुर के शासक ने नहीं दिया था बल्कि उसके जागीरदार गिरधरदास भंडारी ने दिया था, और उसके बाद में जोधपुर के उस समय शासक थे अभय सिंह, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभय सिंह ने माफी भी मांगी और ताम्रपत्र भी लिखवाया कि भविष्य में इस रियासत में इस प्रकार की कोई भी वन्य जीवों से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित ऐसी किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग इसके दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है जो काफी प्रसिद्ध है। चीन के बाद एशिया की सबसे बड़ी जो लंबी दीवार है वो इसी दुर्ग की है। महाराणा प्रताप की
मृत्यु के पश्चात कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? तो अमर सिंह मेवाड़ का शासक बना था प्रताप के बाद में, और जो संधि की थी मुगलों के साथ में वो अमर सिंह ने ही की थी, अमर सिंह राठौड़। राजस्थान की आहड़ बना संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है ओजियाना, बालाथल, लोथल और गिलुंड। तो लोथल है ये आहड़ सभ्यता का प्रमुख स्थल नहीं है, लोथल आपका गुजरात में लोकेटेड है, आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये प्रश्न मैंने आपको टेस्ट सीरीज, जो JEE की टेस्ट सीरीज है उसके टेस्ट नंबर 1 में ही आपको मैंने दिया था कि कौन सा उत्खनित स्थल आहड़ से आहड़ सभ्यता का प्रथम उत्खनित स्थल है। तो आहड़ सभ्यता का प्रथम आपसे पूछा जाए तो ओजियाना है, बालाथल, गिलुंड और आहड़, ये चार आहड़ संस्कृति है, आहड़ बनास संस्कृति, ठीक है। और आहड़ को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में कौन शामिल नहीं है? तो सीधी सी बात है लूनी है, ये आपकी अरब सागर की और खंभात की खाड़ी में गिरती है, बाकी सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुछ लोग जो बाणगंगा है इनको अंत प्रवाह वाली बताते हैं, लेकिन कभी कभी अंत प्रवाह भी मानते हैं और कभी बंगाल की खाड़ी भी मानते हैं, तो ये सबसे इसका सटीक आंसर होगा लूनी नदी। नेक्स्ट है कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, और आपको उनमें से उन राजपूत शासकों का चयन करना है जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया। तो राणा संग्राम सिंह और राव चंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक और राणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। तो यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट आंसर होगा, इन्होंने कभी भी मुगलों का सहयोग नहीं किया और मेवाड़ के प्रताप ने भी मुगलों का सहयोग नहीं किया था। नेक्स्ट है कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? तो चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में आपका बिजोलिया शिलालेख जानकारी उपलब्ध करवाता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से उत्पन्न इस शिलालेख में माना है। भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है? तो सोनाड़ी को क्या कहा जाता है? चनोथर भी कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन जिलों में ये देखी जाती है। कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? SBBJ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट है किसान आंदोलन में उनके प्रारंभिक होने की वर्ष कौन सा जोड़ा सही है? तो बेंगू किसान आंदोलन, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही जोड़ा सही है। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 से 25 तक ये किसान आंदोलन है वो चला था। नेक्स्ट है सर्वाधिक वनाच्छादन वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वनाच्छादन वाला जिला आपका हो जाएगा इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बारा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2019 में आपको कंप्लीट जानकारी इसके बारे में दी गई है। भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? भरतपुर, बूंदी, बाड़मेर और जैसलमेर। तो आपका यहाँ पर बाड़मेर करेक्ट होगा, बाड़मेर में वैसे भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है और यहाँ पर केवल ब्राउन लिखा हुआ है, तो ब्राउन सॉइल भी आप बाड़मेर को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? तो अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा और बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। ये कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज में भी चीजें प्रोवाइड करवाई थी बहुत ही अच्छी तरीके से। सीरावण क्या से क्या तात्पर्य है? तो ये राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़ा प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का जो प्रातःकालीन भोजन होता है उसे ही सीरावण कहते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वेधशाला जयपुर में स्थित है। 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में हस्ताक्षर किसने किए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 1817-18 में जो हस्ताक्षर किए थे सबसे पहले तो करौली के हरवक्षपाल ने किए थे, और उसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है कालक्रमानुसार सही से इसको सेट करना है। तो सबसे पहले अगर आपको आता है किसने की करौली ने, तो आप इसका बिल्कुल सही आंसर दे सकते हैं। बाकी हमने JEE की टेस्ट ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट के लिए जो प्राइवेट ग्रुप बनाया था उसमें मैंने ये चीज आपको पिन भी करके दी हुई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं का कालक्रम यहाँ पर लिखा हुआ है 9 नवंबर से 15 नवंबर 1817 में करौली के साथ में सबसे पहले सहयोग और मित्रता की संधि की, फिर आपकी 1817 दिसंबर 1817 में कोटा के साथ में, तत्पश्चात जोधपुर, उसके बाद में उदयपुर, तत्पश्चात बूंदी, बीकानेर। तो ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको टेस्ट सीरीज में और
टेलीग्राम चैनल जो JN का बना हुआ है, इसमें भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया था। नेक्स्ट है वन्य जीव अभयारण्य और जिला युग में जो कि सुमेलित नहीं है वो कौन सा है। तो सरिस्का आपका कहाँ पर है, अलवर में है। केसरबाग, रामसागर वन विहार ये धौलपुर में है, बिल्कुल करेक्ट है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, ये राजस्थान का बायोलॉजिकल पार्क भी है। और जमवारामगढ़ ये आपका जयपुर में है, ना कि झालावाड़ में। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है, तो राणा कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक, सैनिकों का भग्नावशेष, सॉरी सैनिकों का भग्नावशेष, राणा सांगा और राणा कुंभा को वास्तुकला का जनक कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट, जिन्होंने चेतावनी रा चुंगटिया लिखा था, और ये आपके शाहपुरा के रहने वाले हैं। शाहपुरा का एक गांव है रामपुरा, वहीं के निवासी है ये बारट परिवार भीलवाड़ा का। नेक्स्ट है एकलिंग महात्म्य चंद्र प्रकाश देवल, यही इसका गलत है, यानी कि साहित्यकार के संबंध में कौन सा विकल्प है वो सत्य नहीं है। तो एकलिंग महात्म्य कान व्यास के द्वारा लिखा गया था, टेस्ट सीरीज में आप अच्छी तरीके से करवाया था। चंद्र प्रकाश देवल की रचना का नाम है पागी, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण चेतावनी राचू कटिया केसरी सिंह बारट। राजस्थान के पर्यटन अभियान की वर्तमान में टैगलाइन क्या है, तो राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो मार्केटिंग कैंपेन है उसकी टैगलाइन है पधारो मारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, जाने क्या दिख जाए। ये पहले राजस्थान की थी, उसके बाद में गहलोत सरकार ने इनको चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंध है, शांति देवी कृष्ण व्यास छंगाणी मांगी बाई फलकू बाई। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर मित्रों शांति देवी है, इन्होंने भवाई लोक नृत्य को प्रेशर जरूर दिया था, उनको आगे जरूर बढ़ाया था, लेकिन नृत्य यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर लोक नृत्य से संबंध कहा गया है, तो लोक नृत्यांगना कृष्णा व्यास छंगाणी है, ठीक है, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी इसके अलावा सांगीलाल सागड़िया ये भी इसी से संबंधित है, जस्मा ओडन भी भवाई नृत्य से संबंधित है, और यहाँ पर एक नाम आता है शांता गांधी, तो शांता गांधी ने जो जस्मा ओडन एक नाट्य है उसको काफी आगे बढ़ाने में योगदान दिया था शांता गांधी। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा, नृत्य से संबंध पूछा है, तो यहाँ पर आपका कृष्ण व्यास हो जाएगा, फलकू बाई है आपकी चरी नृत्यांगना है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ है, ये अविका नगर या अंबिका नगर टोंक में है, काफी बार ये सवाल पूछा गया है। कौन सा युग्म असंगत है, करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में, जीण माता यही असंगत है, जीण माता का कहाँ है, रेवांश शिखर में है, ठीक है। जीण माता को मधुमक्खियों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे लंबा जो लोकगीत है वो इसी माता का है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन और माही धवल है, ये आपकी मक्का से संबंधित है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान के कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी अलग वीडियो के माध्यम से, राजस्थान में कुल 10 कृषि जलवायु खंड है। सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती में आयोजित होता है, केलवाड़ा 12 में। कृपाल सिंह शेखावत पद्मश्री से संबंधित है, और सॉरी इन्हें 1974 में किसके लिए पद्मश्री दिया गया, तो ब्लू पोट्री को इन्होंने काफी देश विदेश में पहचान दिलवाई, इसीलिए इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। किले और स्थान के संबंध में कौन सा असुमेलित है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, सही है, भानगढ़ अलवर में, बटनेर किला हनुमानगढ़ में है, ना कि बीकानेर में, बीकानेर में आपका दुर्ग है, ठीक है। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण हुआ, इनके राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो कोटा के महाराव भीम सिंह को राजस्थान संघ के राज प्रमुख बनाया गया, राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण था। लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया, तो गोगा जी ने गजनवी के साथ में युद्ध किया। रिसेंटली हमने मैराथन वीडियो डाला था, इसमें भी ये चीज बताई थी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी जो 1959 में गठित हुआ था, और इसका
स्थापना है वो जोधपुर में की गई है। विकल्प नंबर एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना वाटर कंजर्वेशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है। 27 जनवरी 2016 को सीएम वसुंधरा राजे ने अपने निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन के गर्दनखेड़ी से इस योजना का शुभारंभ किया था। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग राजा सामंत सिंह का शासनकाल माना जाता है। बनी छवि इन्हीं के काल में लिखी थी किसने? मोर ध्वज निहाल चंद ने। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्थान वित्त प्रदान कर रही है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्त पोषण किया जाता है राजस्थान शहरी विकास कार्यक्रम को। और ये भी मैंने आपको बताया था, वो पीडीएफ एक बार पुनः यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 6 नंबर पर है ADB राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसका तृतीय चरण नवंबर 2015 में शुरू हुआ, सितंबर 2020 तक चला और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। तो मैंने ये पूरी लिस्ट आपको लाइव सेशन में, जो RPSC का लाइव सेशन हम कर रहे थे, तो उसमें ये पूरी लिस्ट बताई थी और आपको ये भी बताया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको निश्चित तौर पर इनमें से एक आध प्रश्न पूछा जाएगा और ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और हमने क्विकली आपका जो पेपर हुआ था उनकी आंसर की आपके सामने रखने का प्रयास किया है और जल्द ही हम पटवारी और ग्राम सेवक, इसके अलावा संगणक और भी राजस्थान की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी इसी प्रकार की एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है वो आप तक लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अच्छा सा अच्छे से अच्छे स्कोरिंग कर पाए। और प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम लंबे समय से 2019 से 2021 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं उन पेपरों का पहले हमने मैराथन वीडियो डाला और उसके बाद में आप देख ही रहे हैं पेपरों का हम सॉल्यूशन है वो दे रहे हैं आपको समय समय पर, और वही प्रश्न पूछा जा रहा है जो आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रहा है। तो आप जरूर इस प्लेटफॉर्म के जो भी आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है उन्हें ज्यादा से ज्यादा आप जरूर फॉलो करें और इम्प्लीमेंट करें, निश्चित तौर पर आपको अपनी परीक्षा में मदद मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।